हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में। तो दोस्तों, आज जो हम करेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज का इंडक्शन मोटर का टॉपिक है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि व्हाट इज़ इंडक्शन मोटर, मतलब इंडक्शन मोटर होता क्या है। दूसरा हम करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टेड मोटर, हम इसके बारे में भी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट है जो हमारा स्लिप एंड स्लिप स्पीड। अब ये क्या होता है अब आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला था वो था व्हाट इज़ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर क्या होता है वो पढ़ते हैं। एन इंडक्शन मोटर और अ सिंक्रोनस मोटर इज एन एसी इलेक्ट्रिक मोटर इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इन द रोटर नीडेड टू प्रोड्यूस टॉर्क टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। मतलब क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर है वो एसी इलेक्ट्रिक मोटर है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट रोटर को चाहिए होता है, वो प्रोड्यूस करता है टॉर्क, जो जिससे हमें ऑब्टेंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग से। ओके, तो जो हम जैसे व्हाट इज़ इंडक्शन मोटर हमसे पूछा जाएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मोटर है वो विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉन एज इंडक्शन मोटर। तो गाइज, ये क्या है कि जो हमारा मोटर है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसको हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जो डायग्राम है वो हमारा इंडक्शन मोटर का है। तो इसमें सिंपली क्या है, यहाँ स्टेटर पे हमारा थ्री सप्लाई है, जो आर बी वाई जो सप्लाई आती है वो कनेक्ट होता है स्टेटर पे, और जो ये हमारा अंदर है ये हमारा एक रोटर है, ठीक है, और ये एक ड्राइव एंड है रोटर का, और इधर से नॉन ड्राइव एंड है, ठीक है, और ये हमारा स्टेटर है जिसको हम फ्रेम भी बोलते हैं और योक भी बोलते हैं, और पीछे होता है जो इस साइड होता है हमारा एक एयर फैन लगा रहता है, जिससे क्या कहते हैं मोटर को कूलिंग प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये तो था हमारा इंडक्शन मोटर क्या होता है। ओके, तो दोस्तों अब है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम जानते हैं कि फैराडे लॉ के हमारे पास दो लॉ होते हैं, जो कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, व्हेन एवर अ कंडक्टर आर प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस विच इज़ कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। जब हम कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ भी कहते हैं। तो यही हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और जो सेकंड लॉ है हमारे फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो स्टेट करता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज। जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज का। ओके, तो अब है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या करता है ये तो पढ़ते हैं इसको हम, कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग पोलैरिटी इन विच इट अपोज पोल्स रोटेट अबाउट द सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस। मतलब क्या है, जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि मूविंग पोलैरिटी रखता है, और वो पोज करता है पोल को रोटेट बाय एक्सिस और सेंट्रल के। मतलब मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई एक्सिस है और यहाँ पे हमारा कोई मतलब जैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी पोलैरिटी, मतलब एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा इधर भी। मान लीजिए अब यहाँ जब इस वाले पीक पॉइंट पे हमारे इस नॉर्थ आ रहा है पॉइंट, तो हमारा जब नेगेटिव पीक पॉइंट पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ साउथ हो जाएगा, ठीक है, और ये जब जीरो पे रहेगा तो यहाँ पे भी जब नॉर्थ रहेगा तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर जीरो पे आएगा तो जो हमारी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो जब यहाँ पे नॉर्थ था तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, और जब फिर पीक पॉइंट पे आएगा तो जब हमारे यहाँ पे साउथ था तो इसका अपोजिट हमारे यहाँ पे नॉर्थ होगा। तो इसी टाइप की जो मूविंग पोलैरिटी होती है वो अपोज पोल करती है रोटेट होने पर वो सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस के। तो यही था हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब है हमारा थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर।
अब हम जानते हैं कि जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। तो वो कैसे होता है मैं इसको बताता हूँ कि जब व्हेन थ्री फेस सप्लाई इज़ गिवन टू द आर्मेचर ऑफ द थ्री फेस इंडक्शन मोटर, तो जब हम थ्री फेस सप्लाई गिवन कराते हैं आर्मेचर ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर पे, तो क्या होता है वहाँ पे जो एक प्रोड्यूस होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस रोटेटिंग फ्लक्स बींग लिंक्ड टू द रोटर कॉइल, जो ये रोटेटिंग फ्लक्स होता है वो लिंक्ड होता है रोटर कॉइल के साथ, जो कि इंड्यूस वोल्टेज एंड प्रोड्यूस करंट, जो इंड्यूस करता है वोल्टेज और प्रोड्यूस करता है करंट इन द रोटर। ठीक है, नाउ इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, और ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, जैसे व्हेन द करंट कैरिंग रोटर बींग प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क, मतलब जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जो मतलब रोटर को हम प्लेस्ड मतलब रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड हैंस बिगिन टू रोटेट, तब हमारा रोटेटर रोटेट करना स्टार्ट करता है। तो यही होता है हमारा कि जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, लेकिन जो सिंगल फेस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है सिंगल फेस में। तो उसको भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब है हमारा स्लिप एंड स्लिप स्पीड क्या होता है। तो पहला है कि स्लिप स्पीड क्या होता है, तो द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड इज कॉल्ड द स्लिप स्पीड, मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड और एक एक्चुअल रोटर स्पीड की जो डिफरेंस होती है उसी को हम स्लिप स्पीड कहते हैं। तो देखो जो हमारा स्लिप स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो ns होता है वो माइनस होता है nr के, और ये हमारा rpm में गिवन है। ओके, तो जो यहाँ पे हमारा ns है, ns को हम क्या कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और जो nr है यहाँ पे हमारा वो एक्चुअल रोटर स्पीड होता है। ओके, स्लिप, तो द स्लिप इज़ द डिफरेंस द मेन फ्लक्स स्पीड एंड द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, तो जो स्लिप होता है वो डिफरेंस होता है मेन फ्लक्स स्पीड और रोटर के ऑफ इंडक्शन मोटर। तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का, और डिवाइडेड होता है किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है स्लिप का वो यही बनता है कि जो ns होता है माइनस होता है nr अपॉन में ns इंटू 100। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो टॉर्क जब ज़्यादा होगा तो हम टॉर्क स्लिप को भी यहाँ पे हम ज़्यादा करेंगे कि ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारा स्लिप रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे टॉर्क भी रिड्यूस होगा। अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क की ज़रूरत रहेगी तो हम स्लिप को क्या करेंगे, इनक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला वर्ड है यहाँ पे स्लिप आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा स्लिप आएगा। ओके, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। अब क्या प्रिंसिपल ऑपरेशन है थ्री फेस इंडक्शन मोटर की, तो ये हम अच्छे और डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारा थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता है वो बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के। ओके, ये तो सबको पता होगा, लेकिन जो ट्रांसफार्मर में है द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट द ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक इन नेचर वेयर इंडक्शन मोटर इज डायनेमिक वन। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो तो हमारा एक स्टैटिक डिवाइस होता है, मतलब स्टैटिक होता है, और जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो एक डायनेमिक होता है। ओके, अब इसकी प्रिंसिपल क्या है ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारा थ्री फेस एसी सप्लाई है गिवन कराते हैं हम इंडक्शन मोटर को और प्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम आरएमएफ कहते हैं विच रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो मतलब यही है इसमें कि जो थ्री फेस एसी सप्लाई हम गिवन कराते हैं इंडक्शन मोटर और वहाँ पे प्रोड्यूस होता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम आरएमएफ भी बोलते हैं, जो वो विच रोट वो रोटेट कराता है एक सिंक्रोनस स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। ओके, तो दिस फील्ड कट द रोटर कंडक्टर तो विच आर स्टेशनरीली, मतलब जो हमारा फील्ड है वो कट होता है रोटर कंडक्टर एंड इंड्यूस एन ईएमएफ एज़ फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हमारे रोटर के फील्ड को वो कट करता है तो वहाँ पे क्या होता है एक इंड्यूस होता है हमारा ईएमएफ।
तो EMF drives current in rotor conductor as they are short circuited. Okay. So now we see that current carrying conductor of rotor are placed in magnetic field. Hence force act to each of these conductor. ठीक है, मतलब क्या है कि जब हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर और रोटर को प्लेस कराते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे एक फोर्स एग्जर्ट होता है, मतलब एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक रोटर होता है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. और ये हमारे लेंज लॉ से भी आया है. ओके, नेक्स्ट हमारा द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन ऑल द कंडक्टर प्रोड्यूस ऑफ रोटेटिंग इफेक्ट ऑन द रोटर. जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है ऑल कंडक्टर प्रोड्यूस करता है एक रोटेटिंग इफेक्ट ऑन द रोटर, जिसे हम टॉर्क भी बोलते हैं. ओके, तो अब है हमारा नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन डज नॉट रोटर रोटेट्स. अब क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन रहते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन होता है रोटर का, मतलब इन विच डायरेक्शन, मतलब कौन से डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट करता है. तो दिस कैन बी ईजिली आंसर, इसका बहुत ईजी आंसर होता है इफ़ यू अंडरस्टैंड लेंज लॉ करेक्टली. इट्स से इफेक्ट अपोज द कोज. अगर आप लोगों ने लेंज लॉ को करेक्टली पढ़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि जो ये होता है, मतलब किस डायरेक्शन में होता है रोटेट, तो वो इफेक्ट अपोज द कोज. ओके, यही इसका आंसर है. इन इंडक्शन मोटर कॉज इज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड कटिंग रोटर कंडक्टर और द फ्लक्स कटिंग एक्शन एंड इफेक्ट टू टॉर्क. मतलब क्या होता है कि इंडक्शन मोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कटिंग करता है रोटर कंडक्टर ऑफ द फ्लक्स को कटिंग एक्शन, तो क्या होता है एंड इफेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस होता है. तो सो फॉर इफेक्ट, मतलब टॉर्क टू अपोज द कोज, टॉर्क प्रोड्यूस मेक्स द रोटर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज डेट द RMF. ओके, तो ये देखिए गाइज, ये हमारा रोटर का डायग्राम है. ओके, ये हमारा रोटर का डायग्राम है. यहाँ पे हमारे दो मैग्नेटिक फील्ड लगे हुए हैं, रोटर मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमारा रोटर फील्ड क्रिएटेड बाय इंड्यूस करंट फ्लो इन रोटर कंडक्टर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, रोटर का जब हम प्लेस करा रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को टू मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक EMF इंड्यूस हो रहा है और एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से रोटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो यही था हमारा प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो देख के आपको इंडक्शन मोटर की बेसिक टर्म्स से क्लीन और क्लियर हुआ होगा बिल्कुल आपका टॉपिक. तो गाइज, अगर आपका टॉपिक क्लियर हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक कर दो और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि वो अच्छी नॉलेज ले पाए. ओके, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे अभी आने वाले हैं काफ़ी थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बेसिक इन्फो. तो गाइज, अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं जब इंडक्शन मोटर की अगली टॉपिक डालूँ तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज.